पापा किड्स टून। नंदूरबर गांव में चार दोस्त रहते थे, पप्पू, फिरोज, किशन, मुबारक। चारों की बहुत गहरी दोस्ती थी। साथ में पढ़ना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना। खेलते हुए कई बार वे नंदूरबर गांव से कुछ दूर बने जंगल तक पहुंच जाते थे। अरे यार पप्पू, क्या बुड्ढों की तरह लेटा है, खेलने नहीं चलना? नहीं यार फिरोज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलना यार पप्पू, आज जंगल में जाकर लुका छुपी खेलने का प्लान है। जंगल की हरियाली देखकर तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं यार किशन, तुम लोग जाओ। चल यार, बहुत भाव खा रहा है तो जाने दे, हम चलते हैं। और पप्पू को छोड़कर बाकी तीनों दोस्त खेलते खेलते नंदूरबर गांव के जंगल में पहुंच गए। वहां लुका छिपी खेलते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाता तो दूसरा किसी गड्ढे में घुसकर छिप जाता। फिर तीसरे की बारी आती तो वो पहाड़ पर छिप जाता। खेलते हुए अचानक उन्हें पहाड़ी की गुफा में एक मोटी बुक मिलती है। बुक पूरी तरह धूल से ढकी हुई है। फिरोज उसे उठाते हुए कहता है, मुबारक यार, इतनी मोटी बुक लेकर इस जंगल में पहाड़ी पर कौन पढ़ाई करने आया होगा? इस पर कितनी धूल है, मुझे तो ये बाबा आदम के जमाने की बुक लगती है। दिखा। वाह, धूल के नीचे इतना सुंदर कवर, तो पूरी बुक कितनी सुंदर होगी। यार इस पर कुछ लिखा है? इस बुक को खोलने से पहले सोच लेना, अगर तुम इस बुक को एक बार खोलोगे तो बिना रुके इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ लिया तो तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, लेकिन अगर बीच में रुके तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। ऐसा क्या होगा? क्या ये पहाड़ गिर जाए या जमीन पाताल में चली जाएगी? लगता है किसी कॉमेडी राइटर ने लिखी है। दिखा, मैं पढ़ता हूँ। एक समय की बात है, चक्रवर्ती राजा के दरबार में चार दोस्त आने वाले थे। उसमें से एक की तबीयत खराब हो गई। वो नहीं आया तो बाकी तीन ही आ पाए। यार ये तो हम चार की कहानी लगती है। पप्पू की तबीयत खराब है, वो नहीं आया, हम आ गए। मैंने कहा था अगर तुम इस बुक को एक बार खोलोगे तो बिना रुके इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ लिया तो तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, लेकिन अगर बीच में रुके तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये क्या हो गया मुबारक, फिरोज कहाँ गया? वो तो इस बुक के अंदर चला गया। बाप रे, अब हम उसकी मम्मी को क्या जवाब देंगे? किशन, मुबारक, फिरोज कहाँ है? आंटी, फिरोज तो इस बुक को हमें देकर घर चला गया था। घर? लेकिन वो तो अभी तक घर नहीं पहुँचा, रात काफी हो गई। पता नहीं आंटी, फिर शायद कहीं और चला गया हो। कहाँ चला गया होगा, कहाँ ढूंढूं उसे? ये क्या मुबारक, तूने झूठ क्यों बोला, फिरोज तो इस बुक में। आंटी यकीन नहीं करती, वो समझती हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कल तक फिरोज घर नहीं पहुँचा तो आंटी आसमान सिर पर उठा लेगी, वो हमारे साथ ही खेलने गया था। डोंट वरी, मैं रात को छत पर चुपचाप बैठकर ये बुक पढ़ूंगा, वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। बुक पूरी होने के बाद देखता हूँ क्या होता है। और रात को घर में सभी के सोने के बाद मुबारक चुपचाप बुक लेकर छत पर चढ़ गया और उसे पढ़ने लगा। यहाँ उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे रात खत्म होती जा रही थी, उसके बुक के पन्ने भी खत्म होते जा रहे थे। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि वो पूरी बुक पढ़ लेगा, मगर अचानक सूर्य की बिजली कड़की, आंधी से चली और बादलों की गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। उसका ध्यान बुक
से हटा, तैसे ही बुक बीच से बट गई और उससे बनी बड़ी सी दरार में मुबारक भी समाता चला गया। उसके समाते ही बुक की दरार बंद हो गई। बुक जो कि बंद होकर वही छत पर पड़ी रह गई। किशन सवेरे सवेरे मुबारक के रूम में पहुंचा। उसे अपने कमरे में ना देख वो छत पर पहुंचा तो बुक को पड़ी देख कंफ्यूज हो गया। मुबारक, मुबारक आंटी, मुबारक कहाँ है? पता नहीं, मैं तो समझी वो तुम्हारे घर गया होगा। रात को बारिश हो रही थी तब भी वो अपने कमरे में नहीं था। लगता है ये बुक उसे भी निगल गई। क्या, बुक निगल गई दोनों को? हाँ यार। यार अब क्या होगा? तू कब तक ये बात उनके मम्मी पापा से छुपा कर रख सकता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी मम्मी बाहर गई है, शाम से पहले आएगी नहीं। चल स्टडी रूम में बैठकर पढ़ते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं। पप्पू, पप्पू। लो आंटी तो आ गई। क्या हुआ पप्पू, कहाँ है किशन? तुम चीखे क्यों? कुछ नहीं माँ, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी, डरावना सपना देखा। और माँ से बहाना बनाकर पप्पू बुक लेकर घर से बाहर आ गया था। इस बुक ने उसके तीन दोस्तों को निगल लिया था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा वो कहाँ जाए इस बुक को पढ़ने, जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब करने ना आ पाए। सोचते सोचते बुक लिए घूमते हुए अचानक उसकी नजर खजूर के ऊंचे पेड़ पर पड़ती है। वो उसे देखता हुआ सोचता है, एक यही पेड़ है जिसकी चोटी पर बैठकर मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ। वहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और नीचे से कोई कितना भी पुकारे मैं मुड़कर देखूंगा ही नहीं। अरे पप्पू बेटा, ऊपर क्या कर रहा है? गिर जाएगा, नीचे आ। अरे सुना कि नहीं, ये आजकल के बच्चे भी ना बदतमीज हो गए हैं। अरे पप्पू बेटा, ये बंदर की तरह ऊपर क्या बैठा है? नीचे आ। आता है कि बुलाओ तेरी माँ को। अच्छा, दो चार खजूर ही फेंक दे। जीता रे जीता रे, बैठा रे बैठा रे। और धीरे धीरे पप्पू पूरी बुक पढ़ता हुआ आखिरी पन्ना जैसे ही खत्म करता है, उसमें से आवाज आती है, वाह पप्पू, बच्चा हो तो तुम जैसे होनहार। बोलो क्या इच्छाएं है तुम्हारी? सारी इच्छा पूरी होगी। सबसे पहली इच्छा, मुझे मेरे सारे दोस्तों के साथ नीचे सही सलामत पहुंचा दो। और क्या इच्छा है तुम्हारी? आपको पढ़ने की शर्त बहुत टफ है। कोई भी इतनी मोटी बुक को बिना डिस्टर्ब हुए एक बार में पढ़ नहीं सकता। इस तरह तो धीरे धीरे पूरा संसार इस बुक में समा जाएगा। मेरी दूसरी इच्छा है, इस बुक को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दो। पप्पू के इतना कहते ही उस बुक में आग लग जाती है और उनके देखते ही देखते वो राख बनकर वही धरती के नीचे मिल जाती है। सारे दोस्त खुशी खुशी घर की ओर लौट पड़ते हैं। थैंक्स यार पप्पू, तूने हमें बचा लिया। हमें ही नहीं पूरी दुनिया को बचा लिया। एक बात याद रखो दोस्तों, कभी भी किसी भी शर्त को स्वीकारने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम उसे पूरी करने में कैपेबल है या नहीं। बिना सोचे समझे शर्त लगाना, शर्त मान लेना कभी कभी हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है।